आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसानों से बात भी की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक सम्मान निधि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। दरअसल इस किस्त के साथ ही केंद्र सरकार अब तक सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम ट्रांसफर कर चुकी है। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जारी की गई थी। तब से अब तक हर साल सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए दे रही है। देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जयराम सरकार ने सबसे पहले कोविड टीकाकरण का काम पूरा किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। उन्होंने आगे कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले जब वो हिमाचल आते थे तो कहते थे कि भारत आग झुकाकर नहीं आग उठाकर बात करेगा। आज भारत मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। कोरोना काल में कई देशों को दवाइयां देने में हिमाचल फार्मा उद्योग की बड़ी भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा 130 करोड़ देशवासियों का परिवार है। मेरी सरकार 8 साल पूरे कर रही है। हर भारतवासी का सम्मान और सुरक्षा उनका संकल्प है। इसी भाव को लेकर आज अपने आप को संकल्पित करता हूं। उन्होंने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। 8 साल बाद देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिमला की धरती पर हो रहा है, जो मेरी कर्म भूमि रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।